हरे कृष्ण। गोपीनाथा ममानिवेदनसून गोपीनाथा ममानिवेदनसून विसाई दुर्जना सदा कामरता विसाई दुर्जना सदा कामरता किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ आमार भरोसा तुमि गोपीनाथ आमार भरोसा तुमि तुमार चरणे लईनु शरण तुमार चरणे लईनु शरण तुमार किंकर आमी गोपीनाथ के मने सुधिबे मोरे गोपीनाथ के मने सुधिबे मोरे ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती पड़े छे संसार घोरे गोपीनाथ सकली तोमार माया गोपीनाथ सकली तोमार माया नहीं मम बल ज्ञान सुनिर्मल नहीं मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन न है काया गोपीनाथ नियत चरणे स्थान गोपीनाथ नियत चरणे स्थान मागे पामर कांदिया कांदिया मागे पामर कांदिया कांदिया कर हे करुणा दान गोपीनाथ
তুমি তো সকলি পার গোপীনাথ, তুমি তো সকলি পার দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি, দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি, কে আছি পাপির আর গোপীনাথ, তুমি কৃপা পারাবার গোপীনাথ, তুমি কৃপা পারাবার জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, লীলা কৈল সুবিস্তার গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী অসুর সকল পাইল চরণ, অসুর সকল পাইল চরণ, বিনোদ থাকিলা বসি গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, জয় রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে, মধুপণ্ডিতের প্রাণধন হে, জয় রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে, জয় গৌরনিতাই গৌরনিতাই গৌরনিতাই, জয় গৌরনিতাই, জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব, নিতাই গৌর হরি বোল হরি বোল হরি বোল হরি বোল, শ্রী শ্রী রাধা গোপীনাথ ভগবান কি, শ্রীল মধুপণ্ডিত গোস্বামী পাদ কি, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ কি,
अतीत पावन श्रील गौर निकाय की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम। अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानंजनशलाकया चक्रणितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि, यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दिनतारिणि परमानंदमाधवम्। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। तो समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुराधिष्ठास वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद गौरव गोविंद स्वामी महाराज तथा दीक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास स्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु अत्यंत कृपालु दयालु आदरणीय कलिजुग पावन श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए इस चैतन्य चरितामृत को आधार करके हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर कुछ बोलने की सामर्थ्य तथा कृपा भिक्षा अनुमति उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। निश्चित रूप से वे आचार्यगण हम बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत दयाशील होकर के अपनी कृपा कटाक्ष के द्वारा भगवत ज्ञान को स्फुरित करेंगे, यह मेरी पूर्ण आशा है। हरे कृष्ण। तो हम कतिपय दिवस से चैतन्य चरितामृत को आधार करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से चैतन्य चरितामृत को चर्चा कर रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम श्लोक क्रमान्वय में 16 नंबर श्लोक कल परिपूर्ण किया जो कि अविधेय चर्चा थी। तो संबंध अविधेय और प्रयोजन ये जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति है जिसको समझने की जानने की तदनुसार आचरण करने की परम आवश्यकता है। शुरुआत में हम बोले जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार से पापी बड़ दुराचार। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार। अगर उस भगवत संबंध या उन भगवान के भक्तों के से संबंध नहीं हुआ है तो उसका जीवन बेकार हो गया। और जिसका संबंध कृष्ण के सहित कृष्ण भक्तों के सहित धाम के सहित धामेश्वर के भक्तों के सहित नहीं हुआ है उसका जीवन बेकार चला गया, वे जन पशु हैं दुराचारी हैं। तो भगवत कृपा से गुरु कृपा से कृष्ण मिले, कृष्ण कृपा से गुरु मिले। कृष्ण की कृपा अगर किसी को होगी अनुकूल अगर हम प्रार्थना करेंगे तदनुसार हमको आराध्यतम हमारे शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु प्राप्त होंगे। तो उनके कृपा कटाक्ष के द्वारा हम निश्चित रूप से इस भवसागर रूपी सागर से उनके चरण कमल रूपी जहाज को आधार करते हुए आसानी से आनंद से
अत्यंत उद्दीपना और उत्साह से प्रीति प्रेम पूर्ण भाव से तर जाएंगे। तो उसको गुरु के साथ जो संबंध होगा निश्चित रूप से बस चरणों में बैठना है। जैसे जहाज में हम बैठ जाते हैं तो पार हो ही जाते हैं, लेकिन बस यह ध्यान देना है कि हम इतस्तित ना हो और सागर के बीच जब नाव चल रही है कई प्रकार की सामुद्रिक तूफान आते हैं, कई प्रकार की जलदस्यु आते हैं, कई प्रकार की इच्छा होता है कि मनोहर कारी और दूसरा नाव को देखे, जहाज को देखे, तो वहाँ पे जाने की बुलावा आता है, लोभ आता है, इस प्रकार की भी बीच में संभावनाएं हैं। तो सजाग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अनुगत्य में गुरु के रहेंगे तो निश्चित रूप से यह संबंध स्थापित होगा और इस भवसागर से होते हुए अर्थात संबंध जब गहरा हो जाएगा, संबंध होते होते अविधेय स्थिति में हम जब संबंध की परिपूर्णता होती है तो हम अविधेय में पहुंचते हैं। तो संबंध से अविधेय तक पहुंचने में ही वास्तविक साधक भक्तों को कठिन तपस्या है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे प्रति कृपा करके संबंध स्थापन कर ही लिया है। भगवान खुद कह रहे हैं मम अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, ये मेरे अंश हैं। वो कहते हैं अहम बीजप्रद पिता, मैं पिता हूँ। तो एक दृष्टिकोण से गुरु ने संबंध स्थापन कर दिया है, उसी क्रमान्वय में भगवान ने संबंध स्थापित कर दिया, उसी क्रमान्वय में गुरु अर्थात महंत तत्व भी आते हैं। अपना कुछ कार्य है नहीं, महंत स्वभाव हिते तारिते पामोत निज कार्य जाए नहे अन्य घर। उसका खुद का कुछ कार्य नहीं है, हम सभी के उद्धार के लिए वे आ गए हैं। वो खुद आकर के संबंध स्थापन किए हैं। ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सभा करे जाचे अधोम पतित पामरो किछु नहीं बाचे। जो ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम था उस प्रेम को अजातीत रूप से वे चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा के माध्यम से प्रदान कर दिए, तो संबंध कर ही दिए है। और विशेष रूप से जिन से कहा गया तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर, तो वे साधु जब कृपा करके हमारे प्रति अनुकंपा करके वे कृष्ण तत्व विज्ञान कृष्ण रहस्य को उन्मोचन करते हैं, तब उनके सहित जब हम अत्यंत अंतरंग हो जाते हैं और उनकी शरीर की उनकी वाणी की दोनों की सेवा करते हैं, उनका कृपा से संबंध से अविधेय तत्व का प्रारंभ रहस्य भक्ति के प्रारंभ से ही जो आवश्यकता है जो दैन्य उसका परिप्रकाश के द्वारा अविधेय तत्व की मध्य परिपूर्णता होती है। और अविधेय तत्व में हम देखें कि कितना सुंदर वह स्वरूप था, कितना सुंदर वह दर्शन था, अर्थात वृंदावन का दर्शन होता है, चिन्मय वृंदावन का, सच्चित आनंदमय वृंदावन का दर्शन होता है और भगवान का दर्शन होता है। कैसा दर्शन? जड़ता नहीं, वो परिपूर्ण रूप से दिव्य दर्शन होता है। दिव्याद वृंदारण्य कल्पतरुः, तो इस प्रकार का वृंदावन का दिव्य दर्शन योगपीठ का, गोवर्धन का, यमुना जी का, जो गोवर्धन हम साधारण जड़ दृष्टि से पत्थर के दिखते हैं वे मणिमय स्वर्णमय रत्नमय वो गोवर्धन दिखेंगे। यमुना जी का जो दिव्य स्वरूप दर्शित होगा, जो अभी सिर्फ हम जड़ भौतिक दृष्टि में काला माने अर्थात नाली पानी जैसा हम देख रहे हैं, लेकिन दिव्य यमुना जी का भी दर्शन तब हो जाएगा। उस हिसाब से चिन्मय वृंदावन का भी संदर्शन हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में जब अविधेय तत्व की परिप्रकाश होगी, आप स्मरण करिएगा हमने जो एक गांव का नौकर का उदाहरण लिया था, कैसे एक गांव का नौकर उसके गांव के और एक व्यक्ति के माध्यम से शहर में एक बड़े घर में नौकरी पाया और धीरे धीरे संबंध गहरा हुआ और अविधेय अर्थात अंत प्रकोष्ठ में वो पहुंचा, मालिक के नज़दीक हो गया। और उसके बाद जब वो पहुंचता है उस अंत प्रकोष्ठ में तब उसको उस नौकर को लोभ होता है, क्या मैं इस प्रकोष्ठ में हमेशा रह पाऊँगा या कुछ टेम्प्रारी में रह रहा हूँ, और रहने के बाद भी या यहाँ पर सेवा मिलने के बाद यहाँ मुझे सेवा प्राप्त होगी, क्योंकि कई सारे और भी जो सेवक हैं उस अंत प्रकोष्ठ के विचित्रमय मणिमय उस गृह को उस प्रकोष्ठ को विविध स्वरूप में सेवा कर रहे हैं,
तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमको भी लोभ होती है कि हम भी क्या सेवा करें। अर्थात अविधेय स्थिति में जब पहुँचते हैं, भगवत दर्शन होता है, तो बस तो दर्शन तो नहीं, यही मोरो माने मोरो यही अभिलाष, विलास कुंजे दियो बास, यहाँ पे बास हो मिली। और नयने हेरी वो सदा जुगल विपरास, नयन में तो सदा अर्थात मैं हमेशा इस जो दिव्य वृंदावन में जिन अनादि दिव्य दंपति श्रीमती राधारानी और कृष्ण को दर्शन किया, वो सदा सदा ही इनका दर्शन करूं। और सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, तो सेवा का अधिकार मुझे प्रदान है, अर्थात मेरी जीवन का उद्देश्य जो है ना सिर्फ दर्शन, ना सिर्फ वृंदावन में रहना, अपितु इस वृंदावन की सेवा करना, या उस चिन्मय वृंदावन में अपना संपर्क का परिप्रकाश अर्थात प्रयोजन साधित करना, जो हमारा मूल जो स्वरूप है अर्थात जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, जीव का जो स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। कॉन्स्टिट्यूशनली अर्थात मौलिक रूप में हमको वो स्वरूप प्राप्त है, लेकिन यूटिलिटी के रूप में अर्थात प्रयोगात्मक के रूप में हमने माया को प्रयोग किया, माया को दर्शन किया, माया का भोग किया, और माया ही हमारे जीवन की भूमिका बन गई, इसलिए कई जन्मों से हम भटक रहे थे। लेकिन अपने गुरु के कृपा से हम जब संबंध होते हुए अविधेय को प्राप्त किए अर्थात हमारा निज स्वरूप को प्राप्त किए अर्थात जो मौलिक स्वरूप को, तो वहाँ पे से स्वरूप प्राप्त होना ही तो मुख्य है नहीं, और हमको प्रयोजन की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप जब कोई एक कुछ सेवा हो रहा है, हम नए जगह पे पहुँचे हैं, तो हमारी भी हम वहाँ पे देख रहे हैं सभी एक्टिवली सेवा कर रहे हैं, तो हमको भी अभिलाषा होती है ना बस मूक दर्शक ना बने, हम भी उस सेवा में संश्लिष्ट हो, हम भी उस सेवा में नियोजित हो, तब जा करके हमको भी आनंद लगता है। तब जब प्रसाद पाते हैं या कुछ करते हैं तो बहुत आनंद लगता है। जैसे हमने देखा है इस्कॉन में कोई अगर ज़्यादा माने गलती कर ले तो उसकी सेवा बंद कर लेते हैं, बस रहना और खाना, तो ये सबसे बड़ी लज्जा की बात होती है। मंदिर में मठवास करने के बाद, मंदिर में रहने के बाद बस रहें और प्रसाद पाए, खाए पिए और प्रसाद पाए, तो ये बड़ी एक लज्जास्पद विषय होती है। तो वो अर्ण बड़ा ही कष्टकर प्रतीत होता है। तो वैसे ही हम बस मूक दर्शक बनते रहें और सेवा को प्राप्त न करें, यह नहीं हो सकता है। तब वहाँ पे क्या होता है, हम उस स्थान पर अविधेय स्थिति में पहुँचने के बाद हमारे चिन्मय हृदय के अंदर में भगवान की उस सेवा को प्राप्त करने के, जो हम देख रहे हैं हमारे खुद हमारे जो गुरु हैं अर्थात जो गुरु तत्व हैं, वे भी अपने नित्य स्वरूप में भगवान के सेवा में संलग्न है। बाकी अविधेय तत्व के अनुसार जब साधक भक्त अविधेय तत्व तक पहुंचता है अर्थात चिन्मय वृंदावन का दर्शन करने से पहले ही उसके हाथ पकड़ करके वो गुरु ही उस अविधेय तत्व तक पहुंचाते हैं, तो उस समय वो गुरु का भी चिन्मय स्वरूप को अर्थात मौलिक स्वरूप जो जिस स्वरूप में वे भगवान की सेवा में संश्लिष्ट हैं, उनका भी दर्शन प्राप्त कर लेता है। और तदनुसार वहाँ पे पहुँचने के बाद अन्य भी कई सारे अनगिनत हजार करोड़ों अनगिनत असंख्य पार्षद जो भगवान के हैं, भगवान के विविध सेवा में संलग्न है, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारे हृदय के अंदर में भी परम लोभ उत्पन्न होता है कि मैं भी क्या सेवा प्राप्त करूं। तब यह जब अभिलाषा तीव्र होती है वहां पे पहुंचने के बाद, पहले तो देख लेते हैं यह यह सब व्यवस्था है, मुझे भी कहाँ पे कुछ सेवा मिलेगा क्या, ऐसे हृदय के अंदर में जब परम लोभ उत्कंठा उत्पन्न होती है, तो श्रीमती राधा रानी जो है हमारे स्वामिनी है, नित्य माता है, तो वे भगवान कृष्ण को कहते हैं आप इसको सेवा प्रदान करिए ना, जिसके द्वारा वो भी अपना जीवन का परम सौभाग्य अर्थात प्रयोजन को प्राप्त करें। तब भगवान क्या करते हैं, अपने वासुरी के तान से वेणु के नाद से उसको विशेष रूप से आकर्षित करते हुए अपने उन दिव्य पार्षदों के द्वारा या दिव्य सखी सखा के द्वारा उनको नित्य लीला में अर्थात नित्य स्वरूप में और नित्य जो प्रयोजन है सेवा में संश्लिष्ट कर लेते हैं। मानो
किसी का वृंदावन माने नित्य वृंदावन में वहाँ पे प्रयोजन में, किसी का राधा रानी के अनुगत्य में, ललिता जी के अनुगत्य में, अन्य अन्य सखियों के अनुगत्य में, किसी का माला गूंथने की सेवा है, किसी का पान बनाने की सेवा मिला, किसी को कुंज की झाड़ू करने की सेवा मिला, या सख्य रस में अनेक सेवाएं हैं, वात्सल्य रस में भी सेवाएं हैं और माधुर्य रस में भी सेवाएं हैं, तो वह उस स्थान में जीवन का प्रयोजन साधित होता है। तो अभिधेय से प्रयोजन तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं, चुटकी भर की समय का बस अंतराल है, लेकिन संबंध से अभिधेय तक पहुंचने में ही जीवन चला जाता है। अभी तो कई जन्म भी जा सकते हैं अगर साधक सीरियस ना हो तो। तो इसलिए 17 नंबर श्लोक पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के प्रथम परिच्छेद के 17 नंबर श्लोक पे प्रयोजन तत्व का परिप्रकाश कर रहे हैं। ऐसा श्लोक वे प्रदान करते हैं। श्रीमान रास रसारंभी बंसीबट तटस्थितः कर्षण वेणु सुने गोपी गोपीनाथः श्रेयस्तु नः। अनुवाद श्लोक उपाधि प्रदान करते हैं। रास नृत्य के दिव्य रस के सृष्टिकारी श्री श्री गोपीनाथ बंसीबट के तट में दंडायमान है एवं वे अपने प्रख्यात दिव्य वंशी के सोनों के द्वारा गोपांगनाओं को मन आकर्षण कर रहे हैं, अर्थात गोपांगना के क्रम में मूज अभिधेय तत्व में पहुँचने वाले तथा यहाँ पे प्रयोजन का अधिकारी होने वाले उस दिव्य वंशी के द्वारा वे मुझको दिव्य सेवा अर्थात दिव्य प्रयोजन में संश्लिष्ट कर रहे हैं। वे हमारे ऊपर अत्यंत आशीर्वाद कृपा दृष्टि वर्षण करें। तो यह जीवन का प्रयोजन है, जन्म सार्थक तार कृष्ण दर्शन जार, उसका जीवन सार्थक हुआ है जब तक वे कृष्ण का दर्शन प्राप्त नहीं किया है। तो संबंध से अभिधेय तक पहुंचने में ही कठिनाई होती है और अभिधेय से प्रयोजन तक पहुंचने में कोई दुविधा नहीं होती है, तुरंत वह प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन अभिधेय से पूर्व की जो विरह रहता है, लोभ रहता है, अत्यंत उत्कट रहता है, दैन्यता रहता है। जैसे कई कवियाँ गाए हैं ना, सुने होंगे, गोवर्धन वासी साबरे तुम बिन रहो ना जा, ये गोवर्धनवासी आपके बिना मैं अभी रह नहीं सकती, अभी जीवन ऐसा हो गया, आप ही मेरे जीवन के आधार हैं। हे नाथ नारायण हरि, हे नाथ आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही सर्वव्यापक हैं, आप ही मेरे कष्ट को हरण कर सकते हैं। दर्शन को नैना तरसे आदि आदि बचन सुनने को काम, विरने को जियरा तर से जिय के जियना, गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रहो न जा, अब आपके बिना रहा नहीं जा सकता है। तो अत्यंत उत्कट विरह रहता है अभिधेय स्थिति का पूर्व में। गुरु महाराज भी कई ऐसे अंतरंग प्रसंग में ऐसे भावुक होकर क्रंदन किए हम देखे हैं। तो अति उच्च कोटि का वो भाव रहता है, भगवान को दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा, तो साधक क्रंदन करते करते विह्वल हो जाता है। मेरे प्राणेश नंद नंदन, गुरु महाराज एक गीत में गाते हैं अंतरंग वार्तालाप में, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हारी याद आते ही झड़ी
आंसू की लग जाती झड़ी, आंसू की लग जाती तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खा कर, कि मर जाऊं जहर खा कर। तो विविध प्रकार का यह उत्कट भाव साधक भक्त कभी कभार अपने अपने भाषा में गाता है। वो अत्यंत असहनीय होता है कृष्ण के लिए जब भक्त क्रंदन करता है दैन्यता से विह्वल होकर के, अब बस अब मरना ही बस काफी है, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खा करके। आपकी जब याद आती है, जो शास्त्र से मैं सुना पढ़ा और अपने गुरु की कृपा से वे भावमय राज्य में उसको मैं अनुभव किया यत्किंचित गुरु के कृपा से, और अनुमानिक में भी सोच रहा हूँ आप ऐसे हैं, आपका कटी प्रदेश इतना खीण है, आपका नाभि अत्यंत गहरा है, आपका चरण कमल अत्यंत सुंदर है, आपकी जंघाएं अत्यंत कदली वृक्ष के जैसा अत्यंत गोल सुगोटोल है, आपका नितंब भी अत्यंत आकर्षण करता है, आपका हरेक अंग वक्ष देश अत्यंत विस्तारित है जिसमें अनेक दिव्य वनमाला गिरे हुए पड़े हुए हैं, और अत्यंत केस अपनी कुंचित कुंचित केस आपकी अत्यंत आकर्षित करता है, आपका ओष्ट आपका नयन सब कमल पुष्पों के सौंदर्य को, करोड़ों कमल पुष्पों के सौंदर्य को विलज्जित करता है, हर एक अंग आपका अत्यंत सुंदर है, जो कि मैं कथाओं में गुरु की कृपा से शास्त्रों में मैं अवगत हुआ सुना। क्या मैं तुम्हारी याद आत, और ये अगर मैं इस जीवन में दर्शन ना करूं, उसको प्राप्त ना करूं, तो ये जीवन बेकार है। तो आपकी याद आता है तो सिर्फ मैं रोता रहता हूं, क्या मेरी मुझे भी कभी दर्शन नहीं होगा क्या आपका मंजुलमय उस विग्रह का? तो विरह में क्रंदन करते मैं विचार करता हूं, तो जैसे कि श्रीमती राधारानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उद्वेगे दिव स ना जा क्षण हैल जुग सम, वर्षार वेगे प्राय अश्रु बहुदुनायन। अभी उद्वेग में दिवस नहीं जा रहा है, एक एक समय क्षण हैल जुग सम, एक एक क्षण युगों के समतुल्य प्रतीत हो रहा है, और वर्षा और वेगे प्राय अश्रु बहुदुनायन, जैसे घनघोर बारिश हो वैसे जब वृष्टि होती, जैसे निरंतर जल के बूंदे गिरते रहते हैं तेजते तेजते धार में, वैसे ही मेरे आँख से निरंतर अश्रु अभी गिर रहे हैं। और मैं ये सबको विचार करता हूँ तो लगता है मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाता। आप जिस जगत में गोविंद नहीं है, गोविंद जब गोविंद है नहीं, गोविंद वीरा है सुन्या हैला त्रिभुवना तुसानले पड़ू की बा ना जाए जीवन। गोविंद के विरह में जगत शून्य प्रतीत हो रहा है, वैसे ही भाव जैसे गुरु महाराज अपने भाषा में भाव कहते हैं, राधारानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु मानव अविधेय तत्व का उस गोविंद धाम में, इसलिए गोविंद शब्द लगाए, उनका दर्शन करने के लिए व्याकुल हूँ, चित्त व्याकुल है। गोविंद विरह शून्य हैल त्रिभुवन, त्रिभुवन शून्य प्रतीत हो रहा, क्या काम है इस जगत में, जिस जगत में गोविंद का दर्शन है, गोविंद का सेवा गोपीनाथ का सेवा प्रयोजन नहीं प्राप्त हुआ है। और तुसान ले पड़ो कि वाह ना जाए जीवन, मेरी अवस्था ऐसी है एक धान का कुसा, अर्थात एक सिंगल धान का कुसा को अगर जलाएंगे तो उससे ना राग निकलेगा ना उससे अग्नि निकलेगा, अर्थात जो ऐसा गुरुराज कह रहे हैं कि
तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खा कर। मुझे ऐसा लगता है अब इस जीवन में जी करके क्या फ़ायदा, जिस जीवन में कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, कामयुक्त जीवन करने के लिए बैठा हुआ हूँ क्या? सब तो गुरु महाराज ने कृपा कर लिया, फिर भी मैं अपने दुष्टता के कारण, अपनी मंदबुद्धि के कारण भगवत अनुराग को, भगवत दर्शन को, भगवत प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस जीवन को रख करके क्या फ़ायदा? तो मैं जहर खा लूँ, दिल में ये आता है, हृदय में ये आता है। लेकिन आपने भी यह कहा है कि ये शरीर तुम्हारा है नहीं, ये शरीर मेरा शरीर है। जैसे सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो रास्ते में विविध प्रकार के जंगलों के रास्ते में आने के कारण, नालियों के अलग अलग स्थानों का जल पान करने के कारण शरीर में एक प्रकार का चर्म रोग हो गया, जो कि अचंकुचित अवस्था को प्राप्त किया व्यवहारिक दृष्टि से। तो वे विचार किए इस जीवन को रख कर के क्या फ़ायदा, जो शरीर ही इतना नष्टशील हो गया है, महाप्रभु की सेवा के लिए उपयुक्त है नहीं। तो इस बार रथ के जब रथ यात्रा होगी, रथ के चक्का के नीचे मैं अपना शरीर को विसर्जन कर दूंगा। तो पहले काल में ऐसा होता था, अनेक व्यक्ति जब जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए या वैकुंठ जाने के विचार में वे लोग, ये एक परंपरा है, तो एक रथ के चपहिया के नीचे आ जाते थे और मर जाते थे। तो लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु तो सर्व अंतर्जामी है, तो वे एक दिन सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि सनातन, कब से तुम विचार कर लिया कि ये शरीर तुम्हारा है, ये शरीर मेरा धन है। एक जिसका धन है, मालिक का अधिकार है, उसको कैसे खर्चा करे, कैसे उपयोग करे, इसलिए तुम्हारा ये अधिकार है नहीं। तो ये जब विचार में आता है कि आप खुद ही बोल रहे हैं, ममे मनस जीवलोको जीवभूत सनातन अहम बीज पदपिता, तो ये सब विचार करते हुए सोचता हूँ, इच्छा तो हो रहा है, हृदय में हो रहा है कि मैं अपना प्राण को विसर्जन कर दूँ, लेकिन क्योंकि ये शरीर भी मेरा है नहीं, ये चेतना, ये मन, यह वृत्ति, यह प्रवृत्ति, यह सब आपके ही अनुकंपा, मेरे गुरु और कृष्ण का है, तो इसलिए मेरी अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। तो बस एक ही मेरा संबल है कि मैं क्रंदन करता रहूँ। तो इस प्रकार का जब तीव्र उत्कंठा, अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो भगवान कृपा करके संदर्शन प्रदान करते हैं, दिव्य वृंदावन का समस्त रहस्य उन्मोचन हो जाता है, दिव्य कृष्ण के संबंधों का, परिपाटी का ज्ञान हो जाता है, तदनुसार प्रयोजन स्थिति में उसकी सेवा करने की अभिलाषा जागृत होती है। और हमारी तीव्र अभिलाषा को देखते हुए श्रीमती राधारणी के अनुरोध से भगवान हमको उस दिव्य सेवा प्राप्त कराते हैं। कैसे ना, जैसे कि यहाँ पे माधुर्य रस की चर्चा हुआ है प्रयोजन तत्व के, क्योंकि हमारे आचार्यगण माधुर्य रस के भक्त हुए हैं, महाप्रभु भी राधारानी के भाव में, राधारानी के अंग कंठ में स्वीकार करके आए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट माधुर्य स्थिति की चर्चा कर रहे हैं 17 नंबर श्लोक पर, अर्थात प्रयोजन में चार प्रकार का संबंध हो सकता है, एक तो वात्सल्य का, एक सख्य का, एक का दास्य का और एक माधुर्य का। चार संबंध में अर्थात प्रयोजन संबंध जो विशेष संबंध स्थापित हो जाएगा और प्रयोजन उस संबंध की द्वारा हम सेवा प्राप्त करेंगे। यहाँ पे श्रीमन रास रसारंभी के स्थिति में बंसी भट तटस्थित बंसी बटके बटे बट को गलवैया देते हुए और भरोसा करते हुए भगवान कृष्ण बड़े आनंद से खड़े हुए हैं और अपने दिव्य मोहिनी बंसी के द्वारा उन गोपियों को और उन गोपियों को या उन भगवान के उस दिव्य भक्तों को आकर्षित करते हैं अपने प्रेममय मंजुल विचारों से, दिव्य बंसी से वे आकर्षित करते हैं। तो कर्षण, इसलिए यहाँ पे कहा गया कर्षण, वे आकर्षण करेंगे। कर्षण वेणु सुने गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुन, वे कर्षण करते हैं, आकर्षण करते हैं और उन गोपीनाथ, गोपियों के जो नाथ हैं, गोपियों के अवतार हैं। तो इसलिए हमारे आचार्यगण में विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर अपने जो दैन्यता निवेदन प्रयोजन तत्व पे अर्थात गोपीनाथ पे करते हैं। वास्तविक हम देखते हैं हमारे जो मूल जो आचार्यों की जो कुछ विग्रह हैं वो गोपीनाथ के नाम से अभिहित हैं। जैसे कि
जगन्नाथपुरी में गोपाल, साक्षी गोपाल कहते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम जो साक्षी गोपीनाथ है, साक्षी गोपीनाथ और तोटा गोपीनाथ, साक्षी गोपीनाथ, तोटा गोपीनाथ। और आज के समय में गोपीनाथ जी जयपुर में विराजमान है। पहले तो यहाँ पे मधुपंडित गोस्वामी के द्वारा वे आविष्कृत हुए, उनकी चर्चा हम करेंगे आने वाली क्लास में। मधुपंडित कैसे गोपीनाथ के विग्रह को प्राप्त किए और वहाँ पे बंसीवट के स्थान पर, जो यहाँ पे बताते हैं, श्रीमान रास रसारंभी बंसीवट तटस्थित, बंसीवट के निकट, यमुना के किनारे बंसीवट के तट के निकट कैसे मधुपंडित गोस्वामी उन गोपीनाथ जी के विग्रह को प्राप्त किए, हाँ वो चर्चा भी हम करेंगे। तो और उन गोपीनाथ का जो दिव्य दर्शन आज के समय में जयपुर में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यवनों के आक्रमण के द्वारा जब वृंदावन ग्रसित और त्रसित हुआ, तब भक्त लोग यहाँ से गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन आदि अनेक विग्रहों को स्थानांतरित कर दिए राजस्थान प्रांत में। तो वे कहने का उद्देश्य यह है, प्रयोजन स्थिति में हमको उस प्रकार का दिव्यता का परिपाटी सेवा प्राप्त होती है। जैसे कि हम चर्चा करें एक एक संबंध का, मानो संक्षिप्त रूप में, एक है सख्यरस का संबंध, जो कि अत्यंत दिव्य है। भगवान के सखा बनना ये क्या सहज है? सख्यरस में यह ज्ञान नहीं होता कि वे भगवान, जैसे कि आगे कुछ अनेक परिच्छेदों में वर्णना करेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु के, तो सख्यरस की कैसी आनंद है। सखा मोरे शुद्ध सखे कौरे स्कंद आरोहण तुमी कौन बड़ लोक तुमी आम सम सखा मोरे शुद्ध सख्ये करे स्कंद आरोहण। सखा शुद्ध सख्य के प्रयोजन तत्व को प्राप्त, मैंने वो तो नित्य सिद्ध भक्त की चर्चा है, लेकिन वे भी जो इस प्रयोजन के द्वारा साधक भक्त भी संबंध से अविधेय और अविधेय तक प्रयोजन जाएगा, अगर सख्य रस का भक्त है तो वो भगवान का सखा बन जाएगा। और वहाँ पे कैसी, वहाँ पे भगवान कहेगा नहीं, कृष्ण को तू क्या रे कृष्ण तू ता करके। सख्य रस में ऐसा नहीं कि संबंध व सम्मान युक्त संबंध रखता है, माने सख्य रस का यह ही परिपाटी है, यह ही उत्कर्ष आनंद है कि वहाँ पे भगवान से भी वे अपने आप को बड़ा विचार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं शुद्ध सख्य करे स्कंद आरोह, तुम्ही कौन बड़ा लोग, अरे तू कौन सा बड़ा लोग है, तुम्ही आमसम तू हमारे सम है। जैसे कि यह उदाहरण दिया जा रहा है, सखाएं एक बार भगवान के साथ खेल रहे थे, मधुमंगल एक पक्ष में था, भगवान एक कृष्ण एक पक्ष में थे। खेल का नियम ऐसा निरूपित किया गया था, जो खेल में हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा। तो कई बार कोई कोई हारा होगा, लेकिन एक बार भगवान कृष्ण उस खेल में हार गए, तो मधुमंगल बोले कि अरे कृष्ण अरे कन्हैया तुमको अभी घोड़ा बनना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण थोड़ा भगवत ऐश्वर्य भाव को परिप्रकाश किए और बोले मैं क्यों घोड़ा बनूंगा, मैं क्यों घोड़ा बनूंगा, मैं नंद महाराज का लाला हूँ, मैं नंद महाराज का लड़का हूँ, मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं नहीं घोड़ा बनूंगा। अच्छा तो मधुमंगल कहते तुम घोड़ा नहीं बनोगे, खेल का नियम को भंग कर रहे हो। इष्ट गोष्ठी तुरंत बुला दिए समस्त सखाओं का, रे कन्हैया अभी खेल का नियम को पालन नहीं कर रहा है, उसके साथ सब कट्टी कर लो कन्हैया, सब एक एक कर कन्हैया कट्टी, कन्हैया कट्टी तेरे साथ आज हम खेलेंगे नहीं, तू 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 जो करना है कर, हम अपना अपने सखाओं के साथ खेलेंगे, तू आज से हमारा सखा है। पहले तो कुछ समय ऐश्वर्य भाव रहता है, भगवान कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी कोई तरस नहीं रहा हूँ तुम्हारा सख्य भाव को, जाओ तुम अपना खेलो, मैं यहाँ पे अकेले में बैठ करके बांसुरी बजाऊँगा क्या है। तो भगवान एक स्फटिक शिला पर निकट में बैठ जाते हैं और दिव्य मोहिनी वंशी बजाते हैं, लेकिन वो सख्य रस का ऐसा उत्कर्ष भाव होता है जिस मोहिनी वंशी के द्वारा सब वृंदावन के कण कण आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन
सख्य रस के उच्च कोटि के भाव के कारण उस समय वो बंसी सखाओं को आकर्षण नहीं कर पाता है। अन्य समय में तो बंसी जब बजता था सखाएं घेर करके बैठ जाते, बोलते थे कन्या और भी बजाओ ना, और भी बजाओ ना, बहुत आनंद लग रहा है। पत्ता फूल वृंदावन का कण कण उस बंसी के ध्वनि में नृत्य करता है, लेकिन सख्य रस के उच्च कोटि के भाव के कारण वो कोई प्रतीत नहीं होता है, वो अनुभूति नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण भी व्याकुल हो जाता है, अरे मैं अभी क्या करूं। कुछ समय देखते हैं कि सखाएं बड़े आनंद से खेल रहे हैं, हास्य परिहास कर रहे हैं, और आमोद प्रमोद कर रहे हैं, लोटा पोटी हो रहे हैं, ब्रज के धूल में वो कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, निमज्जित हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अकेले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे, और जब ज़्यादा व्याकुल होते हैं कि उस बीच बीच में कुछ सखाएँ होते हैं, बोलते हैं कृष्ण क्या अभी बंसी बजा रहे हो, बजाओ बजाओ बजाओ, तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे, कट्टी तुम्हारे साथ कट्टी हो गया और नहीं खेलेंगे, दूर से बोलते और परेशान करते हैं, जैसे कि चिढ़ाते हैं ना, कुछ कुछ सखाएँ चिढ़ा, देखो देखो हम कैसे आनंद में खेल, अकेला बैठा रे कृष्ण देखो देखो ऐसा कहते हैं, बार बार ऐसा कहते हैं। तो भगवान भी विचलित हो जाते हैं, जो साधारण जीव जैसे विचलित होता है, वह में वृंदावन की ऐसी आनंद है, वहाँ में भगवान खुद आनंद कंद भगवान निरानंद को प्राप्त करते हैं, जो सबको आनंद प्रदान करने में पूर्ण समर्थ हैं, वे भगवान कृष्ण निरानंद को प्राप्त करके जो वो भाव उत्कट स्थिति में पहुँचता है, धीरे धीरे क्रंदन करते हैं, क्रंदन करने लगते हैं। तो जब क्रंदन करते हैं तब जाकर के देखिए, जब साधक भक्त क्रंदन करता है तो भगवान का दर्शन प्राप्त करता है, और यहाँ पे भगवान स्वयं क्रंदन कर रहे हैं सखाओं के साथ खेलने के लिए। तो वे जब भगवान कृष्ण क्रंदन करते हैं तब मधुमंगल बेचारे, अभी थोड़ा तो दया करना चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को दया करना चाहिए, समाधमो तपोशौच ख्यांत आर्चको एवच ज्ञान अभिज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, तो इतना तो ब्राह्मण को ज्ञान होना चाहिए। अभी रो रहा है कृष्ण, चलो थोड़ा देखते हैं, एक अवसर देते हैं। बोलते हैं क्या तेरा सब अहंकार चला गया, नंद महाराज का बालक है, अमुक है, समुक है, ढिमिक है, तेरा सब अहंकार गया है नहीं। तब कृष्ण भी चुप रहते हैं, क्या हुआ तेरे पास 9 लाख गाय है, तो हमारे पास भी कई लाख गाय हैं, हम भी भाई सखा हैं, हम भी वृंदावन के कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, तू कैसे खेल का, हम खेल का नियम पालन कर रहे, तू खेल का नियम नहीं पालन करेगा, तो इसलिए तुझे करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण बोलते हैं अरे भाई कान पकड़ रहा हूँ, अभी मत सताओ, अभी मत चिढ़ाओ, क्या करना है मुझे बोलो। बोले हाँ जो बोला था, घोड़ा बनना पड़ेगा, घोड़ा बन, तब जा करके तुझे कट्टी सब तेरे से जो कट्टी किए थे तब यह हम उसको उसको भूल जाएंगे और उसी पुनः तुझे खेल में मिला लेंगे। तो भगवान कृष्ण बाध्य होकर के मानव सखाओं के शुद्ध सख्य भाव में, वे सच्चित आनंदमय भगवान सचराचर ब्रह्मांड के अधिनायक सर्वेश्वर परात्पर परम ब्रह्म भगवान मधुमंगल के आदेश को पालन करते हुए वे घोड़ा बनते हैं। अर्थात मनुष्य दो पैर में चलता है, लेकिन पशु का अगर पोजीशन में आए तो उसको दो हाथ को नीचे होकर के चलना पड़ता है। जैसे देखे होंगे बचपन में अनेक पिता अपने पुत्र को आनंद प्रदान करने के लिए घोड़ा बनते और पुत्र वहाँ पे बैठता है पीठ के ऊपर, तो भगवान कृष्ण भी घोड़ा बनते हैं और मधुमंगल, भारी मधुमंगल भगवान कृष्ण के ऊपर बैठता है और भगवान का कान को मुड़ करके बोलता चल मेरे घोड़ा, टुक 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 चल घोड़ा, जल्दी चल जल्दी चल कहते, तो भगवान को भागना पड़ता है। तो बोलता है मधुमंगल अरे घोड़ा क्या इतना क्या धीमी गति में क्या भागता है, क्या बहुत जल्दी भागता है घोड़ा, भाग दौड़। तो भगवान को दौड़ाते हैं मधुमंगल जी, कान को मरड़ते हैं, अरे कितना कान को मरड़ेगा, चल 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 भाग 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 भाग। तो कहते हैं तो घोड़ा टुक टुक होते होते भागता है। तो कहने का उद्देश्य यह है, दिव्य सख्य रस की यह आमोद और प्रमोद की स्थिति है, जहाँ पे कि अनेक प्रकार की दिव्य रस का आस्वादन करते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे सख्य रस की यह उत्कर्ष आनंद है। ब्रज की एक लीला है श्रीनाथ जी की, मैंने गोपाल जी की,
वे जब जतिपुरा में माने गिरिराज जी के ऊपर विराजमान थे, तो वृंदावन का एक बालक जो अहिर माने निम्न जाति का है, वो भगवान के से सख्य रस में संबंधित था। तो दोपहर जब हो जाता था तो वो भगवान को खेलने के लिए बुलाता था। तो अब भगवान मंदिर में तो उस समय विश्राम करते हैं, माने नॉर्मली जो पुजारी क्या करते हैं, 12-12:30 बजे राजभोग की आरती हो जाती है, 1 बजे तक शयन करा लेते हैं और वो अपना कार्य में चले जाते हैं मंदिर में ताला डाल करके। तो जब गोपाल जी गिरिराज जी के ऊपर थे, तो वे भी उनके जो पुजारी थे वैसे ही ताला लगा दिया मंदिर में, भोग लग गया, आरती हो गया, सब व्यवस्था हो गया, तो जा करके अपने स्थान पर चले गए वे भी विश्राम करने के लिए। बाद में फिर से आएंगे वैकालीनिक सेवा में भगवान को उत्थापन करते हुए, वहाँ पे भोग लगाया जाएगा, फिर से दर्शन होगा, आरती होगा लगभग 4-4:30 बजे, जैसे हमारा मंदिरों में भी दर्शन होता है। तो वो जो बालक था उसके भक्ति के दिव्य संबंध के कारण प्रयोजन साधित हो गया था, तो गोपाल जी के सहित श्रीनाथ जी के सहित वो खेलता था। तो जब उसी दिन खेलने के लिए भगवान, ठंडी का समय था, वो भगवान खेलने के लिए आए नहीं, तो नीचे से क्या किया, गिरिराज जी का एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर को वहाँ से फेंका और गर्भगृह में एक झरोका था, तो झरोका में जाकर के वो पत्थर गिरा। तो एक बार एक पत्थर मारा, दो पत्थर मारा, तो तीसरा पत्थर मारा तो भगवान कृष्ण को लगाओ अर्थात सर्वग्रह में लगा। तो श्रीनाथ जी विचार करते, अरे तो ये भी पत्थर मारने में क्या पारंगत है क्या, मैं भी पत्थर मार सकता हूँ। तो तुरंत उसी सखा के जिद के आगे उनको हार मानना पड़ा और वे गर्भगृह से बाहर आ गए और आकर के वे भी पत्थर मारने लगे, अरे तू मुझे पत्थर मार रहा है, मैं भी तुझे पत्थर मारूंगा। तो ऐसे सख्य रस में समानता भाव रहता है, तो एक दूसरे के साथ खेल हास प्रयास विविध प्रकार का खेल खेले। तब खेलते खेलते गोविंद कुंड के पास पहुंच गए, और गोविंद कुंड के पास जब पहुंच गए तो सख्य भाव में, कभी कभार होता है ना बदमाशी करते हैं सखाएं निकट में, क्या करते हैं अगर कोई जल है तो गिरा देते हैं। तो गोविंद कुंड के पास खेले तो ये तो जो सखा था धक्का मारा भगवान कृष्ण को, और धक्का जब मारा तो भगवान कृष्ण गिरे कहाँ पे, गोविंद कुंड पे। तो गिरते ही और जल्दी ये तो सोचा कि वो कृष्ण तो गुस्सा हो जाएगा, ठंडी का समय है और जल के द्वारा वो ठंडा हो जाएगा अभी, तो ये तुरंत भाग गया अपने घर को। और इधर क्या हुआ, पुजारी जी भगवान को भोग लगाने के लिए तब विचार किए, तो मंदिर का दरवाज़ा पट खोले, तो खुलने ही वाले थे, भगवान को बिचारा अब अरे अभी तो पुजारी अभी मंदिर खुलने वाले, तो तुरंत और अन्य विचार और कोई उपाय न पाते हुए वे गोविंद कुंड से तुरंत ही दौड़ करके जा करके मंदिर में प्रवेश कर गए। और पुजारी जब पट खोले भोग लगाने के लिए, तब देखे कि भगवान का श्रीविग्रह, माला आभूषण, भगवान का पीताम्बरी, भगवान का सर्वांग जल से सिक्त हुआ है और भगवान स्वयं कांप रहे हैं ठंड में। तो ऐसा देखते हुए बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कौन उनको जल डाल दिया। तो वे अपने गुरु महाराज को जब बोले, तब गुरु महाराज तो उच्च कोटि के भक्त थे, तो वे जब विचार के जाकर के तुरंत आए उसको अवगत होकर के, और आकर के ठाकुर जी से पूछते हैं आपको कौन ऐसा किया, तो वे समस्त कहानी कहते हैं। तो तुरंत भगवान का समस्त वस्त्र निकाला जाता है, भगवान का पुनः श्रृंगार किया जाता है, ठंडी का समय था इसलिए गर्म सेक अर्थात अग्नि को प्रकट कर करके गर्म सेक से भगवान का अंग को भगवान अंग को ताप प्रदान करने के लिए वे सेक देते हैं, और विविध प्रकार की गर्म जो वस्त्र है उस पर भगवान को श्रृंगार किया जाता है, तब जा करके भगवान नॉर्मल होते हैं और भगवान को ऑफरिंग किया जाता है और उसके बाद भक्तों को दर्शन होता है। तो बाद में तो वो व्यवस्था कैसे ना हो भविष्य में, उसकी व्यवस्था उन भक्त ने किया, जैसे भगवान कृष्ण को इस प्रकार का समस्या का समाधान और समस्या का सम्मुखीन ना होना पड़े।
कहने का उद्देश्य यह है कि सख्य रस की यह उत्कर्ष आनंद होता है जिसमें उस संबंध को प्राप्त करने के बाद वहाँ पे भगवत्ता विचार नहीं होती। वृंदावन का, गोलोक वृंदावन का या नित्य वृंदावन का यह ही भाव है। वहाँ पे कृष्ण को चाहे सख्य भाव में हो, केवल दास्य भाव में थोड़ा भगवत विचार आता है। भगवत अर्थात वो मेरे स्वामी है। जैसे एक नौकर वो अपने मालिक को भगवान के जैसा ही विचार करता है, अपना अपना हर्ता करता दैव विधाता से विचार करता है, लेकिन भगवान विचार नहीं करता। तो दास्य रस के भक्त भी वृंदावन में भगवान को भगवान नहीं विचार करते, वो मेरे स्वामी हैं। सहज ही उनका अनुगत्य और समर्पण भाव रहता है, लेकिन सख्य रस में ऐसा नहीं भाव, समभाव रहता है। और वात्सल्य रस में अपना अपने से वो बड़ा विचार करते हैं, मैं कृष्ण का पिता हूँ, मैं कृष्ण का माता हूँ, मैं कृष्ण की दादी हूँ, मैं कृष्ण की बुआ हूँ, मैं कृष्ण की दादा हूँ, परदादा हूँ, ऐसा विचार कर ऑर्डर भी करते हैं, कभी कर आदेश देते हैं। और माधुर्य भाव में अनुगत्य भाव भी रहता है और मान अभिमान में पर मैंने उसको उत्कृष्ट रस, प्रेम रस के कारण वो भाव भी रहता है कि गाली गुलज भी करते हैं। तो उस भाव में तो यह इस प्रकार का अनेक दिव्य संबंधित जो दिव्य चार जो महापुरुष कृपा करके प्रदान के पहले ये उपलब्ध है था नहीं। यद्यपि भक्ति उपलब्ध थी वैकुंठ आदि या वृंदावन भी कोई जाए, लेकिन इस प्रकार का चार दिव्य रस के संबंध में संबंधित होना केवल महाप्रभु तथा उनके अनुगत्य भक्तों के माध्यम से यह संभव पर हो पाए। चारी भाव दिया नाचाऊं भुवन, चार प्रकार का भाव अर्थात सख्य, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये जीवन का हमारा प्रयोजन है। कब हम भगवान के सखा बनेंगे, कब हम भगवान के सखी बनेंगे, कब हम भगवान का दास बनेंगे या भगवान के पिता माता आदि संबंध से संबंधित होंगे, ये जीवन का प्रयोजन है। ये हमारा डेस्टिनेशन है, यह हमारा गोल है, ना कि अन्य कोई भौतिक विषय वस्तु। तो ये जीवन का प्रयोजन को साधित करने के लिए मानो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक के क्रमान्वय में हम सबको वो उत्कर्ष लोभ और वो दृष्टि और वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन गोपीनाथ के कृपा से मधु पंडित गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा हमारे गुरु तत्व की कृपा से यह प्राप्त होगा। अगर हम भजन मार्ग में, साधन भक्ति में अगर सीरियस रहेंगे, गंभीर रहेंगे और निरअपराध रूप से, निष्काम रूप से भजन करेंगे, अवश्य ही संबंध से अभिधेय और अभिधेय से हम प्रयोजन में पहुँचेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्तवृंद की, गीताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। हरे कृष्ण। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 5:35 हो गया है, तो अगर किसी का प्रश्न है तो पूछिए। हरि वो। हाँ, हरे कृष्णा। हमारे बेंगलोर से वेणुधर प्रभु हैं, तो वो पूछे हैं कि गोपीनाथ जी को प्रकट मधु पंडित गोस्वामी ने किया, लेकिन हमारे प्रयोजन के आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, क्यों? तो इसकी हम चर्चा करेंगे आने वाले क्लास में। मधु पंडित गोस्वामी ने इसको प्रकट किया, लेकिन कैसे मैंने हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी दैन्यता के जो प्रतिमूर्ति हैं वे कैसे प्रयोजन के आचार्य बने, तो उसकी चर्चा किया जाएगा। वास्तविक प्रयोजन के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी हैं और मधु पंडित गोस्वामी और एक आचार्य हैं जिन्होंने मिलकर के, दोनों मिलकर के गोपीनाथ जी को प्रकट किया। मूलतः मधु पंडित जी को ही विचार किया जाता है प्राकट्य का कारण, लेकिन और एक आचार्य भी थे जिसका वर्णन विशेष रूप से किया गया नहीं है, लेकिन प्रयोजन के आचार्य मधु पंडित गोस्वामी है नहीं।
रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। विशेष करके देखा जाए भक्त तत्व गुरु तत्व में कोई अंतर है नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मधुपंडित गोस्वामी में प्रयोजन के आचार्य बनने की सामर्थ्य है नहीं, यह विचार करना भी अपराध युक्त है। तो मधुपंडित गोस्वामी भी प्रयोजन के एक दृष्टिकोण से आचार्य है, लेकिन हमारे परंपरा के क्रम में जो रघुनाथ दास गोस्वामी को हमारे आचार्यगण कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा अन्य आचार्यगण प्रयोजन के आचार्य कहे हैं, उसका कारण क्या है, इसका सविशेष चर्चा हम आने वाले कक्षाओं में हम करेंगे। ठीक है वेणुधर प्रभु, हरे कृष्णा। और किसका प्रश्न है? हाँ अमृत बापू बोलिए। क्या क्या फिर से बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ नहीं नहीं ये ऐसा है नहीं, ये जड़ विज्ञान में न, जड़ जगत में ऐसा होता है। तो ऐसा अर्थ है ना कि माधुर्य रस है सबसे ऊंचा रस है और सख्य रस बात्सल्य रस और दास्य रस जो निम्न है, ऐसा विचार नहीं है। क्योंकि गोलोक वृंदावन में कोई छोटा बड़ा भाव है ही नहीं, हर एक का एक अलग महत्व ही है और उसके बिना वो चल नहीं सकता। जैसे कि एक मशीन को फिट करने में एक छोटी सी भी नॉट की अगर अभाव हो तो वो मशीन काम नहीं करता है। तो उसमें वो ना सिर्फ मशीन की अपितु उस एक नॉट का भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देखते हैं ना हमारे शरीर के कोई भी एक अंग अगर कुछ खराब हो जाए तो भी वो कैंसर का कारण हो सकता है। चाहे ऐसा नहीं, यद्यपि हम अपने पंच ज्ञानेंद्रियों से ज़्यादा काम करते हैं, आँख कान नासिका जीवा आदि से, इसका अर्थ है नहीं कि अन्य अंगों का कोई भूमिका है नहीं। इंटरनल अंगों को भी बहुत भूमिका है। तो इसीलिए वैसे ही भगवत धाम में कोई छोटा बड़ा भाव है ही नहीं, ये जड़ जगत का नियम है। वो छोटा है वो बड़ा पद भी है, वो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो कमांडर है वो साधारण भक्त है, ये भाव वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे हर एक तत्व की हर एक व्यक्ति की एक विशेष भूमिका है, विशेष भूमिका है। तो इसलिए माधुर्य रस जैसा ही उच्च कोटि का भाव है वैसा ही यह भाव। हाँ ये है कि संबंध की परिपाटी वहाँ पे ज़्यादा खुलता है माधुर्य रस में, ज़्यादा अंतरंग, ऐसे कि माने दो रस में देखा जाता है, माने भगवान वहाँ पे नग्न है। नग्नता अर्थ है क्या, जैसे एक बालक माँ के आगे नग्न होता है उसको कोई लज्जा नहीं होती है, इसका अर्थ सिर्फ बालक माता के आगे नग्न नहीं होता है, एक अंतरंग संबंध स्थापित करने वाले पति पत्नी भी एक दूसरे के सामने नग्न हो सकते हैं। और दास्य रस में भी वो भाव आता है, जैसे हम देखते हैं डॉक्टर जब जाकर के जो ऑपरेशन करता है तब भी पेशेंट नग्न रहता है, वहाँ पे सेवा करने की भाव है, दास्य रस की भाव है। और सख्य रस में भी वैसे ही भाव होता है, जैसे देखते हैं हमारे कोई दोस्त अगर बीमार हो गया तो कई अंतरंग सेवा भी करना पड़ता है, मलमूत्र से लेकर के नग्न सेवा भी करना पड़ता है। तो इसका अर्थ है जहाँ पे जितना संबंध गहरा होता है वहाँ पे लज्जा की कोई भाव नहीं रहती है। तो उसी प्रकार का भगवान कृष्ण वहाँ पे नग्न है, सभी सखाएँ भी नग्न है, सब जैसे कि नित्यानंद प्रभु माननीय देवी के पयोधर से दूध पान करते थे बड़े होने का, क्योंकि वो पूर्ण वात्सल्य रस में थे, तो अपने आप को छोटा बालक ही विचार करते थे। तो इसका अर्थ है जो अंतरंग संबंध है वो हर एक संबंध में है, सख्य में है दास्य में है वात्सल्य में है माधुर्य में भी है। तो इसलिए कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। ठीक है बोलते हैं यही बात है, हल्दी का आगे बोलो।
बाह्य हाँ है, और ये रुकते ही नहीं है, मतलब पहुंचते हैं तो वो सही उनका अपना भाव वहां नहीं पे वहाँ, डोमिनेट हो रहा होगा। हाँ वहाँ पे वो भाव क्यों है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, तो इसलिए जब तक माधुर्य रस की चर्चा नहीं होगा, अर्थात राधा रानी का जो स्वमूड है या नहीं, जैसे आप बद्रीनाथ भी जाएंगे, हम उड़ीसा वाले तो चावल को ही ढूंढेंगे कि कहाँ से चावल मिलेगा, तो हमारा वो निज खाद्य है। तो वैसे ही आप नॉर्थ के या जो भी रोटी खाने वाले हैं, जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, चावल खाएंगे, बहुत आनंद लगेगा, लेकिन फिर भी रोटी को मन में ढूंढेंगे कहाँ से दो चपाती मिल जाए। तो हर एक का खुद का एक मूड होता है। तो राधा रानी के भाव में क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसलिए सख्य रस, दास्य रस और वात्सल्य रस जब को पार करते, जब माधुर्य रस पहुंचा, तब भी वो शांत नहीं हुए। आरव बोलो, आरव बोलो, उनका खुद का जो भाव है, हाँ, यानी कि मादनाक्ष महाभाव, महाभाव स्वरूपणी राधा रानी है, मादनाक्ष महाभाव, मोहनाक्ष महाभाव तक पहुँचे, तब जाके उनको संतुष्टि मिली। तो वो तो उनका खुद का भाव को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उनको आनंद नहीं लगेगा। इसलिए लेकिन जब से दास्य का संबंध शुरू हो जाता है, वहाँ में कोई छोटा बड़ा है नहीं। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, चार ही उच्च कोटि के भाव हैं। हर एक का एक एक मर्यादा है और उसका महत्व है। ठीक है, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। मुझे आपने बताया था कि अविधेय से प्रयोजन की जो यात्रा है हाँ वो रिलेटिवली सुगम है, सुगम मतलब ही नहीं है, है। तो क्या हम ये समझें कि अविधेय की जब पूर्णता होती है तो हाँ व्यक्ति को भगवान का थोड़ा थोड़ा दर्शन होता है कभी कभी, तो बाकी समय विरह में होता है, प्रयोजन में ज्यादा समय भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करता है, और जब नहीं कर पाता तब विरह में होता है, क्या ये अंतर समझें क्या? हाँ देखिए, अविधेय को प्राप्त करने से पहले जो पूर्वाभास होता है, जैसे मैंने चर्चा किया था, शायद याद रहेगा, कि भगवान विज्ञापन करते हैं, भगवान आकर्षण करते हैं बांसुरी के द्वारा या कुछ हल्का फुल्का अनुभव के द्वारा। पहले तो स्वप्न में करते हैं, अनुभूति देते हैं, दर्शन देते हैं, उसके बाद जागृत में भी दर्शन देते हैं। अविधेय को प्राप्त नहीं हुआ जब तक, और अविधेय को पूर्णता प्राप्त करने, अविधेय की पूर्णता में एक्चुअली सिद्ध स्वरूप मिल जाता है। अविधेय के पूर्णता में सिद्ध स्वरूप यानी कि अपना जो मौलिक स्वरूप है वो प्राप्त हो जाता है। तो क्योंकि जड़ चक्षु में ज़्यादा समय तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, जागृत अवस्था में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य है नहीं। तो परिपूर्ण रूप से सच्चिद आनंद में शरीर अविधेय तत्व में ही प्राप्त हो जाता है। और वहाँ पे लेकिन फिर भी योग माया का ऐसी व्यवस्था है, अविधेय तत्व में पहुंचने के बाद, अर्थात प्रयोजन में पहुंचने के बाद भी कभी कभार भगवान विरह में चले जाते, माने छोड़ देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में श्रीमती राधा रानी को भगवान छोड़ दिए या गोपियों को छोड़ दिए, तो वो लीलाओं को आनंद प्रदान करने के लिए और उस समय विरह की भाव को, क्योंकि ये भौम वृंदावन की लीला जगत शिक्षा के हेतु भी है, तब जाकर के यद्यपि वो प्रयोजन का विरह है, गोपियों का जो विरह था गोपी गीत के अंत में, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो क्षण काल के लिए भगवान का दर्शन से वंचित थे, तो वो प्रयोजन का विरह था। प्रयोजन में पहुंच, वो तो नित्य लीला के सखियाँ हैं, तो प्रयोजन का विरह था, लेकिन उसके द्वारा साधक भक्त अविधेय, सॉरी, संबंध से अविधेय का जाने के जो विरह को वो विचार करेगा, क्योंकि गोपियाँ 1 सेकंड के लिए, राधा रानी कुछ क्षण के लिए भगवान को भूल, माने दर्शन से वंचित हो गए, तो इतना विह्वल हो गए। हम तो जन्मों जन्म से भगवान को दर्शन नहीं किए, अनंत काल से बद्ध जीव है, नित्य बद्ध जीव है। तो इसके द्वारा साधक भक्त को उत्साह मिले और भी विरह को प्राप्त हो, इसलिए यह लीला संगठित हुआ है। क्योंकि भौम वृंदावन की जो लीलाएं हैं परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए, अमलात्मा साधक भक्तों के लिए, जैसे कुंती महारानी कहते हैं, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यामि स्त्रियः। तो भक्ति योग को विधान करने के लिए भौम वृंदावन की लीला होती है, या नित्य वृंदावन में भी हो सकता है भगवान विरह प्रदान करते हैं, वो एक लीला का आमोद प्रमोद है। जैसे कुछ अंतरंग चर्चा में एक नायक एक नायिका के साथ जानबूझ करके झूठ बोलता है, सताता है, तो ये उत्कर्ष आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन वहां पे ज्यादा समय के लिए भगवान अपने आप को छुपा करके नहीं रख सकते, या सखी जैसे सखाओं से खेलने के लिए वो बंद कर दे, लेकिन ज्यादा समय नहीं रुक पाए,
या राधा रानी को छोड़ के चले गए, लेकिन ज्यादा समय नहीं, क्योंकि वो तो नित्य सिद्ध सिद्ध शरीर में वो लीला हो रहा है, अन्य सखियों की जो लीला है। लेकिन साधक भक्त के जीवन में अगर हमारा आंशिक अनुभूति हो रहा है स्वप्न में या जागृत अवस्था में, तो अविधेय में भी नहीं। अविधेय जैसे कि आप, यह पहला क्लियर होना चाहिए कि अविधेय की पूर्णता के बाद सिद्ध शरीर मिल जाता है। वो साधक भक्त को पता चलता था चल जाता है कि मैं अमुक सखी हूँ, अमुक सखा हूँ, अमुक दास हूँ और अमुक वात्सल्य से संबंधित हूँ। तो ये भाव ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। ठीक है, अगर किसी का अगर प्रश्न। हाँ बोलिए। यानी कि श्लोक कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ हो सकता है ये वैसा क्वेश्चन हो जो संबंधित ना हो, मगर फिर भी मुझे पूछने की जा मतलब उत्सुकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। भगवान हाँ अवश्य। का नित्य नित्य धाम जो है, नित्य वृंदावन, जो भगवान नित्य वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं चले जाते, किसी कारणवश आक्रमण हुआ और भगवान को वहां से जयपुर ले जाया गया, तो तीनों विग्रह जो है वो मल जो उसका क्या नाम है, मुगलों के द्वारा आक्रमण के दौरान ही वहां ले जाए, फिर बाद में उनको निज धाम तो वापस आना चाहिए ना। यहाँ भी तो एक निज धाम का एक महत्व है, उस महत्व को छोड़ के भगवान जयपुर में बैठे, मतलब यहाँ के लोगों का कोई प्रयोजन नहीं है, इनकी कोई महत्व नहीं है, भगवान तो ऐसे विसरा दिए जैसे कि गोकुल ने गोपियों को छोड़ के निकल दिया ऐसे ही। वास्तविक भगवान भक्तवत्सल हैं, भगवान भक्तवत्सल है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वृंदावन से तो कभी तत्वतः तो गए नहीं। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एक न गच्छति। भगवान ना कंस के बुलावे में अक्रूर के सहित गए थे, ना मुगलों के आक्रमण से वे अन्यत्र कहाँ गए थे। तत्वतः विग्रह लीला में वे गए एक स्वरूप, क्यों विग्रह भी भगवान से अभिन्न है, तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गए भी, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गए भी नहीं। हाँ तो इसीलिए गए क्योंकि जयपुर के भक्तों का प्रेम के कारण भगवान गए। भगवान भक्त वत्सल है, तत्व दृष्टि में वृंदावन अभी भी है, लेकिन अभिन्न विग्रह स्वरूप जो कि माने विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित वज्रनाभ के क्रम में जो हुआ था, जो विग्रह अभिन्न भगवान के ही स्वरूप हैं, तो उसी स्वरूप में वे वहाँ से गए। तो आप और भी देखिए ना, जयपुर से भी करौली भी चले गए, मदन मोहन जयपुर से भी करौली चले गए ना, क्योंकि वो तो भक्तवत्सल है ना। तो राजकुमारी के भक्ति के कारण वे जब शादी हुआ तो दहेज मांगे तो दिए नहीं, तो ऐसा लीला हुआ जब बताया था मैं हल्का, तो वहाँ से वो करौली चले गए। तो इसीलिए भगवान भक्तवश चले। और देखिए ना, वृंदावन से साक्षी गोपाल विद्यानगर आ गए, विद्यानगर से पुरुषोत्तम महाराज लेकर के उनको पुरी आ गए, पुरी से वो सॉरी कटक आ गए, कटक से पुरी गए, पुरी से फिर से भी साक्षी गोपाल स्थान में है। तो वो तो भक्तवश चले, भक्त के बुलावे में कहाँ पे भी चले जाएंगे। जैसे लीला सुने होंगे, बांके बिहारी मंदिर से चले जाते थे, कोई भक्त बुलाता था, पेड़ा खाने के लिए भी चले जाते थे कभी कभार, एक भक्त की ऐसी लीला है। तो इसीलिए ये भक्तवश चले, इसलिए यद्यपि मुगलों का आक्रमण एक व्यावहारिक कारण है, लेकिन भक्तवश चल भगवान उन भक्तों की कामनाओं को परिपूर्ति करने के लिए तथा जयपुर को भी अभिन्न वृंदावन का स्वरूप प्रदान करने के लिए ही वे वृंदावन से गए। यही भाव है। हम क्या देखते हैं वास्तविक जीवन में, हमें अपने मौसी का घर बहुत अच्छा लगता है, किसी को नानी का घर बहुत अच्छा लगता है, तो वो कुछ क्षण के लिए तो जाते हैं क्योंकि मौसी बहुत प्रेम करती है, हाँ उनकी बुआ बहुत प्रेम करती है, तो हम कुछ क्षण के लिए जाते हैं। जैसे आप देखिए जगन्नाथपुरी में भी भगवान लीला के माध्यम के लिए ही, लीला की पूर्ति के लिए ही भगवान रथ में चढ़ के आते हैं यहाँ पे, और कुछ दिनों के पश्चात फिर वापस जाते, बीमार भी पड़ते हैं यहाँ पे आके, मगर अपने धाम को नहीं छोड़ते, वो जाते हैं वहीं पे पुनः, इसे भक्त की भक्त बस चलता रह जाती है और भगवान की बढ़ता रह जाती है, दोनों तरफ आनंद प्रदान। नहीं वास्तविक तो प्रकट लीला, प्रकट लीला में भगवान ऐसे करते हैं, जाते हैं आते हैं, लेकिन नित्य लीला में भगवान हर एक स्थान पर रह जाते हैं।
ये प्रकट लीला में जगन्नाथ जी आते हैं, लेकिन हमारे अभी भी कुछ भक्त हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, तो उसी भाव के क्रम में वो माने सुंदरांचल अर्थात गुंडीचा को ही वृंदावन मानते थे। यहाँ पे ये द्वारका है, जो जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वो द्वारका है। द्वारका से गोपियाँ खींच करके भगवान को मानो वृंदावन ले रहे हैं, वो भाव है, यही वास्तविकता है। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए जो उल्टा रथ में नहीं जाते थे, क्योंकि वृंदावन से फिर से द्वारका जा रहे हैं, तो गोपियाँ कैसे विरह को सहन कर सकते हैं, राधा रानी कैसे उस दुख को सहन कर सकते हैं। तो महाप्रभु कभी उल्टा रथ में नहीं जाते थे। यद्यपि भगवान कृष्ण लौटे हैं, लेकिन प्राकट्य लीला में लौटे, लेकिन नित्य लीला में भगवान कभी गए ही नहीं। यही भाव है, नित्य लीला में कभी भगवान गए नहीं वृंदावन छोड़ करके, ना नित्य लीला में अन्यत्र गए, जैसे दिखाई देता है मथुरा गए, द्वारका गए, लेकिन ये वासुदेव कृष्ण गए, यशोदानंदन कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण वृंदावन में ही है। तो उसी स्वरूप में अभी भी वृंदावन में है ही नित्य लीला में, इसलिए वहां पे भी अभी देखते हैं ना प्रतिम्ब विग्रह रखा गया है गोविंद मंदिर में, गोपीनाथ में, मदन मोहन में। ऐसा नहीं कि वो स्थान रिक्त है, शून्य है, वहां पे भी उस अभिन्न भगवान का स्वरूप है, जिनको वो गोपीनाथ ही कहा जाता है, या राधा दामोदर मंदिर में आदि आदि जो विग्रह जो जयपुर चले गए हैं, या श्रीनाथ जी का जो स्थान है, या हरिदेव का स्थान है, हर एक जगह पे वे विग्रह हैं, प्रतिम्ब विग्रह है। तत्व दृष्टि से प्रतिम्ब विग्रह भी मूल विग्रह से अभिन्न है, तो इसीलिए तत्व दृष्टि में है, लेकिन प्रेम के कारण भाव के कारण वो भी वहां पर जाकर के लीला की। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, उनके जो शिक्षा गुरु भाई जी हनुमान दास पुदारक हैं, वे गोरखपुर में वृंदावन को प्रकट कर लिए, उनके भक्ति से गोरखपुर में वृंदावन प्रकट कर लिए। वहां पे गए होंगे, देखे होंगे गोरखपुर में श्याम कुंड, राधा कुंड, ऐसे उनकी छोटी सी एक वो मनोमय है। तो हमने भी सुना है गौरगंध महाराज के मुख से, वो भुवनेश्वर में वृंदावन प्रकट कर दिए। तो बाकी वो भावगत वो कहाँ पे गिरिराज जी क्या वो स्वरूप प्रकट हो जाता था। और भक्त लोग तो हृदय के अंदर में वृंदावन प्रकट कर लेते हैं, हृदय ही वृंदावन है, और भगवान आकर के नित्य विहार करते हैं। तो भगवान सर्वोपरि भक्तवत्सल है, तो भक्तों के प्रेम के कारण भगवान इतस्ततः चले ही जाते हैं, लेकिन तत्व दृष्टि से हर एक जगह पे हैं और अपना लीला विलास कर रहे हैं। ठीक है जी, निश्चय निश्चय, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। 99% साधु की कृपा से ही चलता है काम, और 1% साधना भक्ति ये सबसे चलता है। 1% अपनी प्रयास, 99% साधु की कृष्ण की कृपा, कृष्ण की भी कृपा नहीं साधु की कृपा, कृष्ण कृपा साधु के माध्यम से ही करते हैं। ये तो सत्य है। उसमें हम बात करें तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वहाँ जो नित्य वस्त्र है भगवान नित्य, वस्त्र का, हाँ भगवान का हालांकि वस्त्र चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वहाँ का जो परिधान है वो कैसा परिधान है, जानना चाहता हूँ नॉर्म कौन उसको ऑपरेट करता है। नहीं, एक्चुअली जो नित्य वृंदावन में भगवान का जो परिधान है फिक्स है, वो फिक्स है, क्योंकि कोई जड़ है नहीं, सब चिन्मय है। बलराम ही अनेक पीतांबर में, छत्र में, चामर में, अनेक अनेक में प्रकाशित हुए हैं। तो कोई इसलिए, क्योंकि नित्य लीला में तो कोई मरता नहीं, कोई फटता नहीं, कोई जड़ता हो, जड़ता का कोई दोष है ही नहीं। तो ऐसे नित्य वृंदावन में भगवान पीतांबर ही पहनते हैं, जो इसलिए पीतांबरधारी कहा गया है, और राधा रानी का वर्ण जो नील वर्ण की साड़ी पहनती है, नीलांबर नित्य नित्य होता है, नित्य वही और है। वो भी ऐसा भी हमने सुना, हमने ये भी सुना वस्त्र भी जीव तत्व है वहां पे, तो वस्त्र भी बोलता हाँ रहता हाँ है, हाँ सक्षरस के भी भक्त आपस में संवाद करते हैं। मानो आप शांतरस के भक्त हैं, यद्यपि हमारे आचार्यगण ये रस को आस्वादन नहीं किए हैं, अगर आप शांतरस के भक्त हैं तो वहां पर जाकर के वस्त्र भी हो सकते हैं।
वस्त्र हो सकते हैं। माने कहने का उद्देश्य है निरंतर ये पीताम्बर पहनते हैं क्योंकि वो चिन्मय वृंदावन है और चिंतामणि धाम है। मानो कोई सखा चाहेगा कि नहीं आज कन्हैया तुम आज श्वेत वस्त्र पहनो, तो भगवान उसके लिए वो पीताम्बर को ही छोड़ देंगे श्वेत वस्त्र पहने। लेकिन उनका जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो वस्त्र होता है, जो मूल जो मौलिक वस्त्र है, वो पीताम्बर है, प्रिय है। जैसे होता है ना, कोई कोई कहते हैं हमारा रेड कलर सबसे प्रिय है, तो ज़्यादातर हम उसको चूज करते हैं। लेकिन फिर भी समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपना ड्रेस कोड बदलते हैं, क्योंकि वो चिंतामणि धाम है। कभी कभार होता है ना, जैसे राधा रमन को कौपिन में श्रृंगार करते हैं, जैसे श्रीनाथ जी को जब सूरदास जी थे तब ये तो अंधे थे, तो वो हर एक दिन अलग अलग श्रृंगार होता था, तो वो वर्णना कर देते थे अपने वचन में, वाणी में, ना देखते हुए आज ये पीताम्बर पहने, आज नीलाम्बर पहने, आज श्वेताम्बर पहने हैं। तो गोसाई लोग को संदेह होता था ये कैसे जानते हैं। तो विचार के आज एक विचित्र लीला करते हैं, भगवान को क्या करिए, नंगा कर दिए, नग्न कर दिए भगवान को। कोई सिर्फ एक छोटी सी हल्की सी पतली सी कौपिन था, गर्मी का भी दिन था, कौपिन पहना दिए और बस, क्योंकि कंठ में बस एक मोती की माला पहना दी और कुछ भी नहीं, और ऐसे ही और पट खोल दिए। और जो माधुर्य रस के भक्त हैं वो तो देख करके लज्जा अनुभव के, राधा रानी जब देखते हैं कुछ सखियां नग्न कर दे भगवान को, तो राधा रानी सहन नहीं करती है, वो कृष्ण लज्जा को प्राप्त करते हैं, तो वो अपना वस्त्र दे देते हैं। तो जो जो रसिक जो जो भाव के भक्त है वैसा भाव को प्राप्त किए, और सब मुख में चुप, गोसाई का आदेश था कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो सूरदास जी पदावली गाते हैं, बोले आज नंग, ऐसा कुछ एक पद है, बहुत सुंदर पद है, आज हरि दिखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो कहते हैं आज हरि नंगा दिख रहे, नंगम नंगा में अर्थात नंगे ही अपना दर्शन दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्योंकि भक्तों की इच्छा हुई तो भगवान नग्न भी हो जाते हैं। जैसे अभी गर्मी में देखेंगे, राधा रावण देखेंगे, कौपिन में ही उनका दर्शन होता है। तो वात्सल्य भाव भी हो सकता है, हर एक भाव में भी ये दर्शन हो सकता है। तो भक्त के भाव के अनुसार भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई विकारात्मक चेतना है नहीं, चाहे भगवान नग्न हो या वस्त्र पहने या कौपिन में रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं। या सखाएँ भी ऐसे ही होते हैं, बहुत होता है सख्य भाव में, कई ऐसे लीलाएं भगवान कृष्ण को जबरदस्ती फाड़ देते हैं वस्त्र को और नग्न कर लेते हैं सखाए, ऐसा होता है कई। एक हमने शायद अविधेय तत्व में एक चर्चा किया था कुछ हल्का सा, भगवान को कीच में डाल करके, दही दूध की कीच में डाल करके नग्न कर लेते हैं, वस्त्र निकाल देते हैं, ऐसा होता है। यशोदा माता जो आभूषण पहनाते हैं सखाएँ, पूरा नग्न कर देते हैं भगवान और अपना श्रृंगार करते हैं वृंदावन की मिट्टी में, और भगवान भी वैसे ही दिखाते रहते हैं, वह आनंद से रहते हैं। तो वो तो अति उच्च कोटि की भाव है, उसमें कोई विकारात्मक चेतना है ही नहीं, भक्त के लिए भगवान ऐसा करते हैं, चिंतामणि धाम है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उनका जो देखा जाए मौलिक स्वरूप में पीतांबर पहनते हैं, लेकिन भक्त के भाव के लिए करोड़ों वर्ण का भी वस्त्र पहन सकते हैं। ये उन चिन्मय धाम का यही परिपाटी है, इच्छामय धाम है वो। एक और पूछा, वृंदावन में व्याधि और जरा, जरा व्याधि का तो कोई स्थान कुछ नामो निशान है नहीं, जरा व्याधि का कोई स्थान नहीं है, तो क्या उन्होंने भगवान से ऐसा कोई प्रार्थना नहीं कि जैसे कलयुग जो है परीक्षित महाराज को आके याचना करता कि मुझे भी आप अपना स्थान दीजिए, क्या ऐसा कुछ कोई प्रार्थना नहीं कि जरा व्याधि? और अगर नहीं है स्थान, जगन्नाथ जी नहीं, पहली बात यह है भक्तों के समझने की आवश्यकता है, एक है नित्य लीला और एक है भौम्य लीला। भौम्य लीला में कुछ भौतिक रंग दिखता है, भौम्य लीला में अर्थात इस भूमंडल में जो भगवान आते हैं कुछ भौतिक लीलाएं दिखता है, यद्यपि वो भी दिव्य है लेकिन कुछ भौतिकता से संबंधित रहता है, जिसके द्वारा विरह हो, जिसके द्वारा भक्त में प्रेम बढ़े और भी आकर्षण बढ़े, ये भाव है। लेकिन नित्य लीला में ये नहीं है,
शरीरगत समस्या, व्याधि हो, जरा हो, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भक्त के अनुरोध से भगवान जरा को भी प्राप्त करते, ये भी हुआ है। मैं कल वो वर्णना करूँगा जब वात्सल्य रस का चर्चा करेंगे, तो सख्य रस का भी और भी चर्चा हुआ नहीं, एक एक रस को चर्चा करेंगे अलग अलग से, स्पेशली एक एक क्लास में। तो वात्सल्य रस में भगवान वृद्ध भी हो गए, ये भी वर्णना है। भक्त के लिए भगवान कुछ भी हो सकते हैं, मल का कीड़ा भी हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, वास्तविक कहते हैं, आप देखेंगे भागवत पंचम स्कंद भागवत में वर्णना है, भगवान कहते हैं कि जठराग्नि में जो प्राण वायु है और उपान वायु, उपान वायु भी मैं हूँ कहते हैं। उपान वायु समझ रहे ना, जो अधो वायु छोड़ते हैं हम कभी कभार, वो भी, वो अगर भी नहीं होगा, वो प्रेशर नहीं होगा तो मल कैसे निकलेगा। तो कर्मेंद्रिय में भी भगवान तो भगवत तत्व है, और कितना कृपालु है भगवान कि मल के, हमारा मल भी निकले ये व्यवस्था करते हैं, और उसका वायु भी वे ही है, माने एक दृष्टिकोण से तत्वगत। तो भगवान तो कण कण में विराजमान है, कहाँ पे है नहीं भगवान, मल है नहीं क्या। इसलिए जो ऋषभ देव है, अपना खुद का मल को वो सने सन सन लेते थे, और वो अगुरु चंदन का सुगंध करता था, तो ऐसे दिव्य है वो। तो भगवत भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यही तो भगवान का कृपा है, भक्त के प्रति प्रेम है। चाहे तो वृद्ध भी हो सकते हैं, चाहे बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन नित्य लीला में ऐसी होती नहीं नॉर्मली, फिर भी अगर नित्य लीला में गोलोक वृंदावन कोई चाहेगा तो वो भी हो सकता है, भक्त वांछा कल्पतरु है ना वो, इसलिए हर एक संभव पर है वो चिंतामणि धाम। लेकिन नॉर्मली होता नहीं, जरा वृद्धा ये अवस्था होती नहीं। ठीक है, ठीक है, छह हो गया। तो अंतिम अगर किसी का अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम विराम करेंगे। हरे कृष्ण, ठीक है, विराम करते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे राम श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।